लोगों की पकड़ होना बहुत आवश्यक है। भविष्य देखिए बहुत उज्जवल है, लोगों को कंटेंट तो हमेशा जरूरत रहेगी, माध्यमों की हमेशा जरूरत रहेगी। जरूरत इस बात का है कि मैं इस नए जरूरतों के हिसाब से इसके अनुरूप अपने आप को मैं ढाल पाऊंगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। अगर मुझ में वो क्षमता है, वो कहते हैं स्ट्रगल, जो डार्विनियन थ्योरी है, वो वही हो रहा है आज मार्केट में। ये फिटेस्ट मतलब मल्टीटास्किंग करना, भाषा में पकड़, ज्ञान समझ, कंटेंट, ये सब क्षमता रखते हैं तो रोजगार के अवसर की कोई कमी नहीं है। रोजगार तो आप पैदा कर सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत की ओर प्रधानमंत्री ने आह्वान दिया है, और यह आत्मनिर्भरता सिर्फ अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है। महात्मा गांधी का सपना था ग्राम स्वराज का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय की बात कही थी, सर्वोदय की बात गांधी जी ने कही थी। तो यह सब सभी संभव है जब हम आत्मनिर्भर हो। और आज टेक्नोलॉजी ने और बदलते हुए लोगों के जो जरूरतों ने, सूचना की जरूरतों ने हमको ये क्षमता दी है, ये एक परिस्थितियां ऐसी पैदा कर दी है जिसमें हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कंटेंट की कमी नहीं है। और हाँ, सबसे आखिर में सकारात्मक रहिए, बहुत नकारात्मकता है, जो सकारात्मक रहेगा उसी का भविष्य होगा। जिसे कहते हैं समस्या केंद्रित पत्रकारिता से हटकर समाधान आधारित पत्रकारिता की ओर जाने की आवश्यकता है। वी हैव टू मूव अवे फ्रॉम प्रॉब्लम सेंट्रिक जर्नलिज्म टू सॉल्यूशन बेस्ड जर्नलिज्म। समाधान, लोग समाधान चाहते हैं, और समाधान लोगों के बीच में से ही निकलेगा, बॉटम अप से ही निकलेगा, टॉप डाउन से नहीं निकलेगा। ये हमें आने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में आपके प्रज्ञा प्रतिष्ठान जैसे संस्थाओं के माध्यम से इस भावना की और युवा पीढ़ी जागरूक होगी, और एक सकारात्मक रूप से एक नए भारत का, एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण होगा। अपने आप को स्वावलंबी बनाएंगे, समाज और देश को भी स्वावलंबी बनाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। आपने मुझे